पंजाब देश के सबसे समृद्धशाली राज्यों में से एक है। पंजाब की सियासत में बगावत है और पंजाब का मूड हर चुनाव में सबसे अलग रहता है। दो विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड भाजपा लहर में कैप्टन ने पंजाब से भाजपा गठबंधन वाले बादलों को हटा दिया था। वहीं 2022 में आपने पंजाब में क्लीन स्वीप करते हुए विधानसभा में कांग्रेस का सफाया किया। वहीं हाल ही लोकसभा चुनाव का रहा, जहां इस बार पंजाब में पंजाबियत की सियासत करने वाले अकाली दल की पंजाब में पकड़ कमज़ोर हुई, तो वहीं दो खालिस्तानी समर्थकों ने भी 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। अब एक खबर पंजाब से आ रही है, जहां खंडूर साहिब से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह की संसद सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सांसद अमृतपाल सिंह के खिलाफ चुनाव याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अमृतपाल सिंह फिलहाल NSA के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं, इसलिए हाईकोर्ट ने नोटिस को डिब्रूगढ़ जेल में सर्व किए जाने के आदेश दिए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में खंडूर साहिब सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रहे विक्रमजीत सिंह ने अमृतपाल सिंह की संसद सदस्यता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। विक्रमजीत सिंह ने आरोप लगाया कि अमृतपाल सिंह ने चुनाव के दौरान अपने नामांकन पत्र में कई जानकारियां छुपाई, इसलिए अमृतपाल सिंह की संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। विक्रमजीत सिंह ने अमृतपाल सिंह की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में खंडूर साहिब से निर्दलीय उम्मीदवार रहे विक्रमजीत सिंह ने आरोप लगाया कि अमृतपाल सिंह ने अपने चुनाव के प्रचार के दौरान हुए खर्च की कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि अमृतपाल सिंह अपने प्रचार में धार्मिक प्रतीकों और धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल किया है, जो पूरी तरीके से गलत है। विक्रमजीत सिंह ने कई ऐसे आरोप लगाए हैं और हाईकोर्ट से अमृतपाल सिंह का चुनाव रद्द करने की मांग की है। वहीं हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह को नोटिस जारी कर इस पर जवाब देने का आदेश दिया है। अमृतपाल सिंह पर नामांकन फॉर्म में चुनाव खर्च और इस दौरान मिले चंदे की गलत जानकारी देने के आरोप लगे हैं। साथ ही अमृतपाल सिंह पर धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए धार्मिक पहचान का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा है। याचिका में कहा गया कि अमृतपाल सिंह के परिवार के सदस्यों ने धार्मिक स्थलों पर प्रचार किया और गुरुद्वारों से घोषणा पत्र जारी किया। पंजाब की खंडूर साहिब लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में अमृतपाल सिंह को 4,44,030 वोट मिले। अमृतपाल सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार कुलबीर सिंह जीरा को 1,97,120 वोटों के अंतर से हराया। तीसरे स्थान पर रही आप को 1,94,836 वोट मिले, जबकि चौथे स्थान पर रही भाजपा को 46,373 वोट मिले। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार विक्रमजीत सिंह को 1,420 वोट मिले थे।